कोविड के मरीजों के उपचार के लिए आप सबको मालूम है कि ऑक्सीजन एक बहुत आवश्यक चीज़ बनती जा रही है, और उसकी सप्लाई के जो दो तीन तरीके हैं उसमें एक है कि प्लांट स्थापित करो, लेकिन एक ये जो व्यवस्था है वो उसका एक विकल्प है, ये विकेंद्रित व्यवस्था है। इस व्यवस्था में ये 5 लीटर का संयंत्र है, ये मशीन है छोटी सी, उसको एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त है 24 घंटे इसको इसका उपयोग करने के लिए, और एक व्यक्ति को इससे आराम से एक मरीज को का काम चल सकता है। इसमें इसके और भी कई आते हैं, 10 लीटर का, ये 5 लीटर का है, 10 लीटर का भी आता है जो दो व्यक्ति को चल सकता है। तो इस तरह की मशीनें मंगाने के लिए हमने कुछ प्राइवेट कंपनियों से बात किया था, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में से मंगाने के लिए, और उन्होंने, उनको हम धन्यवाद भी देते हैं, उन लोगों ने इसे भेजा है। ये पहली खेप है, 38 मशीनें आई हैं जो वाराणसी सहित पूर्वांचल के कई जिलों को हम भेज रहे हैं, जिसमें मऊ, आजमगढ़, बलिया, मिर्ज़ापुर, चंदौली, जौनपुर और गाजीपुर है। कल से कुछ और ज़्यादा संख्या में मशीनें आने की हमारी मंगाने की प्लानिंग है, वो भी इन जिलों में जैसे जैसे आएंगी वैसे वैसे हम लोग भेजेंगे। सर ये ऑक्सीजन बनाएगा कैसे? ये हवा से सीधा सीधा इसमें बिजली कनेक्शन करेंगे और ये सीधा हवा से ऑक्सीजन लेता है और ले करके अंदर इसको प्रोसेस करता है, उसमें से नाइट्रोजन और अन्य गैसों को दूर करता है, और ऑक्सीजन शुद्ध जो है उच्च कक्षा की ऑक्सीजन की जो आवश्यकता होती है मरीज को, उसको वो सप्लाई करता है। एक इसके अंदर नाक में लगाने का भी संयंत्र है, वो लगा देंगे, आप 24 घंटे एक मरीज आराम से इसके साथ जी सकता है। सर ये मार्केट में भी उपलब्ध मार्केट में होना चाहिए उपलब्ध, लेकिन ये मशीन मुझे बताया गया कि ये आज ही सुबह टर्की से आई है और मुंबई एयरपोर्ट पे आई। मुंबई एयरपोर्ट पे हम लोगों ने व्यवस्था करके रखी थी कि वहाँ कोई विलम्ब ना हो लेने में। मुंबई से फिर एयर इंडिया के प्लेन पे लोड किया गया, एयर इंडिया 695 फ्लाइट नंबर है, और उसके द्वारा लगभग 2:30 बजे यहाँ बनारस एयरपोर्ट पे पहुँचा और अब हमारे हाथ में उपलब्ध। सर अपना परिचय बताएं। मैं विनोद कुमार सिंह, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट। सर यहाँ पे 8 बजे से मतगणना प्रारंभ होनी थी, लेकिन अभी तक 8:30 बजे मतगणना प्रारंभ।